वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद उज़्मा। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं रेसिपी लाई हूँ वह है कीमा आलू। तो कीमा आलू मटर हम आज बनाएंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए, मैंने ले लिया है साफ आधा किलो कीमा, लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये मैंने तीन प्याज बारीक करके इस तरह से काट ली है, मटर आप अपने टेस्ट के अनुसार जितनी आप चाहें, तीन हरी मिर्च ले ली है, एक टमाटर इसको इस तरह से काट लिया है, आलू ये भी अपनी चॉइस से एक ही या दो ले लें और उसको इस शेप में काट लें। इधर मैंने ले ली है कुछ मसाले, तो इसमें मैंने धनिया पाउडर दो चम्मच, एक चम्मच मिर्च पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी मिर्च और ये है आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच है हल्दी पाउडर। तो ये मैंने मसाले लिए हैं कुछ। फ्रेंड्स, प्रेस बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन में आपको सबसे पहले मेरी वीडियो मिल जाए जो मैं नई डालती हूँ, तो आप ये ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ये मैंने ऑयल ले लिया है मस्टर्ड ऑयल, इसे गर्म करेंगे और जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए यानी इसकी छाले निकल जाए तब हम इसको ठंडा करेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले जो भी हमें ऐड करना है, लेकिन आपको मैं ये ज़रूर बता दूँ कि आप जब भी ये ऑयल गर्म करें उसके बाद थोड़ा ठंडा करें, उसके बाद ही आपको जो भी बनाना है वो डालें। तो फ्रेंड्स, ऑयल हो चुका है गर्म, तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे एक चम्मच ज़ीरा, ये देखिए, इसमें कुछ दालचीनी और छोटी इलायची और ये एक बड़ी इलायची और लौंग मैंने इसमें ऐड कर दी है, ये देखिए। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे ये प्याज जो हमने काट के रखी थी और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे कीमा। कीमा आप चाहे बीफ का बड़े का ले सकते हैं या चाहे आप मटन का लें। फ्रेंड्स, कलर इसका हो गया चेंज, देखिए आप। अभी इसमें डालेंगे हम कीमा। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब डालेंगे हम इसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अच्छी तरह कम से कम 5 मिनट भून लिया है कीमे को। अब हम इसमें नमक डालेंगे और अब जो ये पानी छोड़ेगा कीमा उसको भी हम अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे, मतलब इस कीमे को बिल्कुल। उसके बाद हम डालेंगे इसमें मसाले। ये फ्रेंड्स, मैंने कम से कम इसे 10 मिनट के लिए भुना और ये बिल्कुल हो चुका है ड्राई। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन और ये अदरक का पेस्ट। सबसे पहले क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया था ताकि इसमें जो कच्चापन है सब निकल जाए इसमें और मसाला बिल्कुल निकल चुकी है। तो फ्रेंड, ये स्पाइसेस जो हैं ये मैं इसमें अब ऐड करूँगी और इसको भी अच्छी तरह से भून लूँगी। फ्रेंड्स, अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा पानी। साथ में डालूंगी ये टमाटर
तो देखिए फ्रेंड जब ये भुन रहा है तभी हम इसे ऐड कर लेंगे ये मटर। ये मेरी एक कप मटर है, आप जितनी चाहे वो उतनी डाल सकती हैं। तो फ्रेंड डालेंगे हम ये मटर, साथ में डाल देंगे हम ये आलू और इसको अच्छी तरह से हम आप भून लेंगे। तो फ्रेंड देखिए ये भुन चुका है, तब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसमें लगाएंगे प्रेशर, 3-4 मिसल लगाएंगे ताकि कीमा और मटर अच्छी तरह से गल जाए आलू। देखिए फ्रेंड्स हो चुके हैं कीमा आलू मटर रेडी, तो मसाला बहुत ही जल्दी तैयार होता है और टेस्टी भी होता है। तो अब हम डालेंगे इसमें 2 हरी मिर्च डाल दी हमने इस तरह से काट के, कुछ हरा धनिया वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखिए तो फ्रेंड्स रेडी है, तो मसाला बहुत टेस्टी होगा, आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मेरी वीडियो आप कहां कहां से देख रहे हैं ये मुझे ज़रूर बताएं। बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो देख सकें। तो फ्रेंड्स आप इसे खा सकते हैं रोटी से, चपाती मत रोटी से, पराठे से, पूरी से। तो इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ मैं फिर कल हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।